हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हेलो गाइस, सो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सरप्राइज है। तो अयान बता दे, नहीं बताना नहीं है, दिखाइए चंदा। हाँ हम आपको दिखाएंगे, तो अभी हमें बस 5 मिनट दो, लेट्स गेट रेडी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि सरप्राइज क्या है। ये स्नोफॉल। सो दिस इज विंटर फर्स्ट स्नोफॉल। हाउ इज योर फीलिंग? ओके, आप देखो, पहले एक बार जाके देखना है, मैं अभी तक गया नहीं। ये सबसे अच्छी चीज लगती है जब स्नोफॉल आती है। तो उसको कैमरे पे ना गिर जाए। ये देखो गाइस क्या हो गया, ये डिजाइन बन गया, कितना फ्री का डिजाइन। प्लीज बी केयरफुल, बाय द वे सॉफ्ट ही है अभी। वाओ, तो ये देखो रात रात में कनाडा बदल गया। माय गॉड है यार। हाँ, नहीं चलो इधर से आ जाओ, इधर से चलते हैं, ये ठीक लग रहा है अभी तो। कैसा लग रहा है यार? आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं पता चल रहा, पर हमको पता चल रहा है कि नहीं खिल गया। देखो गाड़ी के शीशों को देखो, पूरे वाइट हो गए। ये तो स्टार्टिंग है यार नवी। अयान कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे तो ठीक लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि जब आप इंडिया से आओ ना या फिर कनाडा में, हाँ, एक बार ना वो मास्क खरीद लो, मास्क खरीद लो, वरना आपके यहाँ सर पे ठंड लगेगी बहुत ज्यादा। टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं है, मैंने हाथ तो अपने बाहर रखे हुए, बट तो ये है कि स्नोफॉल हो रही है और मतलब थोड़ी सी ठंड लग रही है, आपको अपने आपको प्रोटेक्ट करना तो चाहिए। देखो रोड को दिखाओ, रोड रोड पे आइस जम गई है ध्यान से। अगर ऐसे स्नो हो जाए तो मतलब ये वाली स्नो इतनी मतलब प्रॉब्लम वाली लग नहीं रही है यार मेरे को, कूल है काफी, है ना? ढंग से चलो, आइस है यहाँ पर, गिर जाओगे बहुत जोर लगेगी। सो आज गाइस फर्स्ट डे ऑफ स्नो है इन एडमिंटन। कल रात से स्नो स्टार्ट हो गई थी 9 बजे से, और हम लोग वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार रात को दिखेगा तो है नहीं कुछ, तो सुबह ही देंगे सरप्राइज, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो रोशनी में पूरा व्हाइट व्हाइट, और अभी मतलब हो रही है कंटिन्यूस, आप देख सकते हो। और अभी जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, स्कूल में पहुंच के अम्ब्रेला को भी झाड़ूंगा, आधी ज्यादा स्नो तो अम्ब्रेला भी जमी होगी। देखो तो अब आपको विंटर गियर्स का ध्यान रखना है, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी ना इसलिए। हाँ आ जाओ यार, तेरे स्कूल का क्या हाल हो गया बेटा? नहीं पता, देखो ग्रीन कलर की दी छत, पेड़ पे देखो स्नो वाले फूल, स्नो वाले फूल है, स्नो फूल, ये देखो वाले फूल है कहते हैं इनको, पाइन कोन्स कहते हैं, अभी पाइन कोन्स जमेंगे, बहुत घास ही रहेगी। आज गाइस हम लोग थोड़े से लेट हो गए क्योंकि हम वीडियो शूट करने लग गए, और तो अयान को फ्रंट डोर से, ओ बेचारी बर्ड बच, ये चिड़िया हाँ बच गई। तो ये अयान का स्कूल आ गया, अब हम अयान को करेंगे ड्रॉप यहाँ पे, और करेंगे हम आएंगे टू घर। गिव इट टू मी, बाय मम्मा, गुड मॉर्निंग, बाय अयान। अब हमने अयान को ड्रॉप कर दिया है और मैं जा रही हूँ घर। देखो मेरी नोज पूरी रेड हो गई है गाइस, आई थिंक नोज कवर करने के लिए मुझे पहनना चाहिए था, थोड़ी सी ठंड है। सो चलिए मिलते हैं अभी आपसे घर के अंदर जाके, बहुत ठंडी लग रही है, हाथ पे फोन अंदर करना पड़ेगा। देखो गाइस स्नो पूरी जैकेट के ऊपर है लगी हुई, अभी पूरी बाहर झाड़नी पड़ेगी, देन ही हम लोग अंदर जा सकते हैं। फाइनली घर पहुंच गए, लेकिन देखो बाहर का नजारा, पूरा का पूरा जो हमारा फ्रंट यार्ड है वो भर गया है स्नो से, और सारे हमारे छोटे छोटे प्लांट्स टॉयज सब दब गए जो पड़े हुए थे। पूरी स्नो देखो यहाँ आगे तक आ गई है पूरा, ये देखो सारा हमारा जो पाथवे है वो किस तरीके से भर गया, आगे सामने गाड़ी देखो पूरी स्नो से भरी हुई है, ये देखो सब जा रहे हैं आराम से, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों को, यहाँ पे बहुत अडेप्टिव हो जाते हैं, और अभी भी कंटिन्यूस स्नो जो है वो हो रही है। एक ही रात के अंदर मतलब पूरा माहौल बदल गया, तो अभी अंदर चलते हैं और निरप्रिया को भी उठाते हैं, सो रही है वो आराम से। सो गाइस अब एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई है,
कि एक तो स्नो आ गई है, विंटर स्टार्ट हो गया है, और सेकेंड चीज़ कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम नाउ, तो मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन है, टेंशन नहीं है, क्योंकि जो नीरप्रिया है और मैं, मतलब घर पे रह के अभी एडजस्ट कर लेंगे. अदरवाइज़ मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं नीरप्रिया को किस तरीके से स्नो टाइम में अफोर्ड करूँगी, उसको डे केयर छोड़ना एंड ऑल, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा क्योस थे. बट वी आर सेफ. तो अब बनाते हैं चाय. गाइस, जो बाकी की लाइफ है ना, वो नॉर्मल ही चलती है यहाँ पे. हम वही सुबह उठकर अपनी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, देन ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं. बस थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो जाता है. और सच बताऊँ, मुझे आज ऐसा फील आया जैसे हम ना, मतलब इंडिया के कश्मीर वाले पार्ट में चले गए हैं. सीरियसली गाइस, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में ना कश्मीर पहुंच गए हैं. जैसे मैंने बाहर स्नो देखी, बट बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट स्नो देखी नहीं थी. तो ये हमारा फर्स्ट विंटर सीजन है इन कनाडा, तो आई लाइक इट. तक चाय अच्छे से उबल के पक रही है, चलो नीरप्रिया को उठाने जाते हैं. स्नोफॉल हो गया बाहर. गाइस, नीरप्रिया रात से इंतजार कर रही थी कि स्नोफॉल होगा 9 बजे और उठेगी, पर अब उठ नहीं रही है. नीपू, स्नोफॉल हो गया बेबी. सो गाइज, ये बन गया है अब हम लोगों का लंच. तो ये बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर टमाटो सॉस डाली है पोहा में, और ये फुल न्यूट्रिशियस मेरे लिए है. तो मैं पहले अपना सर्व करूँगी, देन इनका टोमेटो सॉस मिक्स कर दूंगी. अच्छा जी, फुल मजे हो रहे हैं. स्नोफॉल अभी भी हो रहा है ना बाहर? हल्का हल्का सा हो रहा है. तो गाइज, मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि हम लोगों ने ग्रॉसरीज नहीं करी थी इस वीक, तो मैं ग्रॉसरी लेने जाऊंगी. अभी नीरज आ रहे हैं रास्ते में, तो फर्स्ट स्नो में एक ग्रॉसरी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आज. तो चलिए, आप भी साथ में हो, देखना कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं अगर आपको स्नो में ग्रॉसरी करने जाना पड़े. तो मैं आ गई हूँ बाहर, नीरज ऑलरेडी गाड़ी में बैठे हुए हैं. बड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ़ नीचे जम गई है, तो जो शूज़ हैं वो फिसल रहे हैं, क्योंकि स्नो शूज़ नहीं पहने मैंने. आज तो सुबह से ही डार्क डार्क है मौसम पूरा. से हाय. ओह, तुमने तो पूरा पूरा हीटर बना रखा है. एक दिन में ही तुमने पूरा नज़ारा बदल दिया. कैसा रहा फर्स्ट डे तुम्हारा स्नो का? तुम्हारे बच्चे कम से कम ना 1 घंटा खेले हैं बाहर स्नो में. 1 घंटा भी नहीं, मैं कम कह रही हूँ, पूरे 1.5 घंटा स्कूल जाने के बाद. और स्कूल में भी इतना एक्साइटेड होके गए ना, आज मजा आ रहा है, मम्मी स्नो आ गया, मुझे रोज टाइम से उठा देना. क्या मतलब क्रेज है. कभी ग्रीन होता था. कैनेडा ही बदल गया यार. नो ग्रीनरी गाइस, नो ग्रीनरी, व्हाइट कैनेडा हो गया बिल्कुल. मतलब पूरी लेयर, जिसे किसी ने रात रात में ना पूरी लेयर बदल दी हो सारी. देखो, पहुंच गए हैं H&W. आज ग्रॉसरीज यहीं से करेंगे. काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट होते हैं यहाँ पे, और हमें मोस्टली वेजेस एंड फ्रूट चाहिए था, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. बनाना देखो, शेक बनाने के लिए चाहिए होते हैं. बनाना कितना? 77 पर LB. वो काफ़ी फ्रेश लग रहा है. देखो गाइस, प्राइस काफ़ी नॉमिनल रेट पे यहाँ पर मिलता है. ग्रीन ग्रेप्स आपके देखो 3.98 LB है. एक पैकेट ले लेते हैं. कितनी सुंदर लग रही है मशरूम, ऐसे फ्रेश लग रही है काफ़ी. ब्राउन भी है, वाइट भी है. हाँ, ये ठीक लग रहा है. शक्ल तो भी ठीक लग रहा है, सभी लाल नहीं हुए हैं. नीरज अपनी मर्जी से ले रहे सब्जियां, इनको आज कोई नहीं रोक सकता. मैंने कहा बेल पेपर्स ले लो, डिफरेंट डिफरेंट कलर की, पर नहीं, सैलेड तो बनाती नहीं हो तुम. ये ले रहे थे हम लोग, ये ठीक है, थोड़ा सा वो तो कम ही होता है. ये काफ़ी टोकरी भर गई है, देख रहे हैं तो देख सकते हो, वी ऑलवेज मीट, वी आर हियर.
तो गाइस ये मेरी फ्रेंड है, मतलब हमारे घर के बिल्कुल सामने ही रहती है और हम रेयरली मिल पाते हैं, आते जाते बस हाय हेलो चलती है। रात हो गई, दिन छोटे हो गए। वो तुम्हारा एक घंटे वाला टाइम आगे पीछे कब होएगा? 14। अच्छा 14 नवंबर को गाइस यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। एक घंटा आगे हो जाएगा कि पीछे हो जाएगा? आगे हो जाएगा। चलो फाइनली ग्रोसरीज का काम तो हो गया, बस एक बार हम लोगों को लेकिन ऑल इंडिया जाना पड़ेगा, आज या बाद में जब मर्जी, क्योंकि आटा वगैरह लेना है ना, तो वो तो वहीं से लेना पड़ेगा। गाइस हमने कर ली अपनी ग्रोसरीज, स्नो तो हम नहीं देख पाए, मेरा मतलब है मैं नहीं देख पाई वापस से क्योंकि बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा ना गालों पे लग रही है, बिल्कुल सुई सुई की तरह चिल सी, बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो आई एम श्योर कि आपको आज कुछ एक चैलेंजेस तो पता चले होंगे। वैसे इतना कुछ खास चैलेंज नहीं था आज, बहुत ही सॉफ्ट सा डे था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड शुरू शुरू में सुबह तो लगा कि यार ये क्या हो गया, पर जब हम बाहर निकले तो काफ़ी ठीक था और चल के भी आराम से, भी सॉफ्ट है ना, जमी नहीं है, तो इट वॉज अ गुड स्नोई डे। ये अंधेरे में निकले थे और अंधेरे में ही मतलब आ गए वापस, तो इनके लिए बड़ा डिप्रेसिंग सा हो गया अब, बट हमने बहुत मजे करे, आपने देखा ये व्लॉग के अंदर। तो गाइस अब विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखो और गर्म कपड़े पहनो, ठंड से बचे रहो, और हम लोग स्नो के चैलेंजेस जरूर शेयर करते रहेंगे आपके साथ, बिग चैलेंजेस। गाइस अब हम हो गए रवाना घर की तरफ, मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिएगा। एंड हैप्पी विंटर्स, हैप्पी स्नोई डेज टू ऑल द कैनेडियंस जहाँ जहाँ पर स्नोफॉल हो चुका है, एंड आई एम श्योर इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट कैनेडा के अंदर स्नोफॉल तो हो ही जाएगा। सो टेक केयर गाइज, कीप योर सेल्फ warm and stay healthy, take care, bye bye.